सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज एंडी। देख सकते हैं टुडे वी हैव, जी हां दोस्तों, एनबीए नेशनल बैंकिंग एकेडमी हाथरस की तरफ से और मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स की तरफ से आप सबके लिए दिवाली पर हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही सुंदर सा प्ले, एक नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, इसका टाइटल है बेटियां किसी से कम नहीं, और ये एनबीए प्रेजेंट कर रहा है आप सबको, आप सभी स्टूडेंट्स को, मेरे सभी फ्रेंड्स को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को हैप्पी दिवाली एनबीए की तरफ से। और ये प्ले तो सर मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर वेदांत तिवारी जी को, जो एनबीए हाथरस के डायरेक्टर है। मिस्टर वेदांत तिवारी जी, सर प्लीज वेलकम। और ये हमारे और इनके स्टूडेंट्स जो जनरली आप सभी के सामने प्ले प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप हैप्पी दिवाली एक बार बोल दीजिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये है मिस आकांक्षा सिंह जो कि डायरेक्ट कर रही है पूरे प्ले को, आकांक्षा सिंह एंड ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा जो है इसमें मम्मी का रोल निभा रही है एंड सिंपल। और ये है हमारे सर्विसर जो कि एक वीडियोग्राफर बने हैं, ये है राजू अग्रवाल जो कि भाई बने हैं, जो कि भाई है बहुत शराबी। और ये है तुषार नीरज, तुषार नीरज आपके बने हैं ये फिल्म में सपोर्ट कर रहे हैं एंड सिंपल। ये है कपिल दीक्षित जो कि समाज बने हैं, समाज यहाँ समाज को बताएंगे। ये है वाटिका शर्मा जो कि दादी बन रही हैं। और ये है हमारी पूनम माहेश्वरी, पूनम जो है वो यहाँ पर मम्मी का रोल निभा रही है। और ये है हमारी प्यारी बेटिया, बेटी किसी से कम नहीं, बेटियां भी किसी से कम नहीं, और बेटी को लीड रोल कर रही है हमारी तान्या माहेश्वरी। ये हमारे स्टूडेंट्स और इनके परिवार और डिजिटल इंग्लिश गुरुजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को विश हैप्पी दिवाली। चलिए शुरू करते हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
लेटर शिक्षा क्या है आप लोग? शिक्षा आप सिर्फ लड़कियों का नाम बनकर रहती है, सिर्फ नाम बनकर। किसी ने सोचा है कभी सरस्वती माँ को ही क्यों शिक्षा के लिए पूजा जाता है? क्यों सिर्फ एक औरत ही देवी बनी? पुराणों में लिखा है मेरे दोस्त, पुराणों में एक औरत ही सिर्फ देवी बन सकती है, क्योंकि वो संगीत की तरह पागल होती है, संगीत की तरह ठहरा होती है, इसीलिए सिर्फ एक औरत ही बन सकती है देवी। लेकिन अब तो मॉडर्न जमाना है भाई, कौन किसे समझेगा? अरे मेरा सवाल है, समाज से क्या गलती थी उस बेटी की जिसे उसी घर में मार दिया गया? क्या गलती थी उस नन्ही सी जान की? क्या गलती थी उस नन्ही सी जान की जो बच गई तो उसे दूध में डुबा कर मारा गया? और गलती से फिर भी बच गई तो जवानी के अंधकार में ढल गया, अपनी उम्र के दुगने आदमी के साथ शादी कर दी। उसकी शादी करके रहें दहेज के लिए जलाया गया, दहेज का दहेज के लिए जलकर मर गए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसी बेटी ने अगर दहेज के खिलाफ आवाज उठाई और वो अपने घर आए तो सबको देखकर सब घर वाले सोचते हैं क्या पम्मी आंटी क्यों रहेगी, पड़ोस वाले शर्मा जी क्या कहेंगे, लड़की 7 वचन के बाद भी अविवाहित रह गई, कुआरी रह गई, अकेली पड़ी है मायके में, जाने कैसे संस्कार है? अरे संस्कार क्या है, ये समाज बनाता है संस्कार। संस्कार किसी से नहीं कहता कि तू छोड़ी गई है या तुझे छोड़ा गया, सिर्फ ये समाज कहता है। कोई उस लड़की के बारे में नहीं सोचता जिसके दिल पे क्या बीत रही है, जो सालों से उस आदमी की खातिरदारी कर रही थी, सेवा कर रही थी, लेकिन आज भी वो के लिए क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक लड़की है मेरे दोस्त, सिर्फ वो एक लड़की। क्यों आखिर क्यों? कभी सोचा है क्यों सिर्फ औरत को ही नहीं सुनहरा वर देके नवाजा खुद करते कि वो 9 महीने अपनी कोप में किसी को भी रख के नया जीवन दे सकती है? जानते हो क्यों? क्योंकि इतनी ताकत सिर्फ औरत में है। मैं पूछती हुई मर्द से, आज मेरे सामने जो लड़की को जलाने के लिए आते हैं, जो लड़की के पढ़ाई रोकने आते हैं, आज मेरे सामने और जन्म दे एक नए जीवन को। जब मारते हो ना एक बेटी को तो नहीं मारते अकेली उसको, मारते हो अपने आत्मसम्मान को, मारते हो अपने जमीन को पहले, मारते हो अपने वंश को पहले, तब मारते हो एक लड़की को मेरे दोस्त, तब मारते हो एक लड़की। लेकिन फिर हम लड़कियां बचपन से सिखाया गया है बेटा भाई की तरह नहीं बन सकती, बेटा यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, हमसे हर कोई कहता है शाम ढलने से पहले घर आ जाना। क्या कोई माँ अपने बेटे से कहती है कि अपनी बहन की जैसे इज्जत करता है किसी और की बहन की भी वैसे ही इज्जत कर? अरे बचपन में माँ अपने आंचल में दुबकाती है अपने बच्चों को बुरी नजर से, लेकिन बड़े होकर वही लड़का दूसरी लड़की के आंचल में हट जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। क्योंकि वो एक मर्द है। अरे क्या मर्द है? ना जीवन ला सकता है, ना अपने बच्चे को पहला अक्षर सिखा सकता है, वो भी औरत सिखाती है, वो भी औरत सिखाती है, लेकिन फिर भी तू तब कर रहे है, तू तब कर रहे है क्योंकि तू एक औरत है, क्योंकि तू एक औरत है। इस बात पे गर्व है मुझे कि मैं एक औरत हूँ। अरे स्वतंत्रता सेनानियों की सोचो, हंसती होंगी ना उनकी पीलू, देश को आजाद करा गए अंग्रेजों से, लेकिन नहीं आजाद करवा पाए इन परंपराओं की दलदल से। सोचो क्या सोचते हो, किसी अंग्रेज की घर की लैट्रिन साफ करने से अच्छा अपने भाई के जलील होना समझते हैं हम लोग? क्यों? अरे गुलाम तो हम उसके भी थे, गुलाम तो हम आज भी हैं। वक्त बदल गया, हालात नहीं बदले, तब से लेकर अब तक औरत की स्थिति वही है, लेकिन फिर हम औरत हैं, दब के नहीं, यही तो सिखाया गया है ना हमें, औरत हूं मैं, दब कर रहूं बुढ़ापे में। देखा है जब कोई माँ अपने बच्चे से दोबारा पूछ लेना कान की बीमारी उसके बाद कि बेटा तूने क्या कहा, जलील कर देता है, जलील कर।